हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे एएलपी परीक्षा के बारे में, यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों आरआरबी एएलपी सीबीटी टू री एग्जाम जो होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और आपकी एग्जाम डेट भी आप दोस्तों रिशेड्यूल कर दी गई है। आपके एग्जाम किस दिन होने वाली है दोस्तों? 8 फरवरी से होगा आपका एग्जाम दोस्तों। सीबीटी टू आपका जो एग्जाम है वो 8 फरवरी से होने वाला है। जिन लोगों का एग्जाम यहाँ पर छूट गया था दोस्तों, जिन लोगों ने 21, 22, 23 जनवरी को जो अपनी एग्जाम नहीं दे पाई थी, उनकी एग्जाम अब फिर से होने वाली है 8 फरवरी को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आरआरबी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला है उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। एग्जाम रिशेड्यूल आपका हो चुका है दोस्तों। किन किन लोगों को मिलेगा मौका दोस्तों, किन किन लोगों को मौका मिलेगा उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में दोस्तों आने वाले घंटी के आइकन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि हम हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन लोगों को मौका मिलने वाला है यहाँ पर सीबीटी टू का एग्जाम जो आपकी री एग्जाम हो रही है उनको देने का, आपको किन किन लोगों को मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर खुला हुआ है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दो भोपाल ने दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रिशेड्यूल सेकेंड स्टेज सीबीटी एग्जाम और यहाँ पर दिया है एएलपी एंड टेक्नीशियन। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम सेकंड स्टेज एग्जाम ऑफ, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है F4 एएलपी टेक्नीशियन हैज़ बिन रिशेड्यूल फॉर द कैंडिडेट हु वेयर प्रेजेंट एंड कुड नॉट अपियर इन द एग्जाम फॉर फॉलोइंग सेंटर्स। मतलब कि दोस्तों जिन सेंटर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम नहीं दे पाए थे या फिर किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए थे, उनकी एग्जाम अब यहाँ पर सेकेंड स्टेज वाली एग्जाम यहाँ पर दोबारा करवाई जा रही है। तो दोस्तों कौन कौन से सेंटर पर की एग्जाम यहाँ पर दोबारा होने वाली है उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। नेम ऑफ सेंटर, सिटी, डेट एंड शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट का आपका कौन सा पेपर आपको यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों सीरियल नंबर हम फर्स्ट में देखते हैं विंध्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से सांटा। तो दोस्तों सांता की सांटा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोस्तों 22 जनवरी को जो आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो आपका दोबारा से होने वाला है। फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपका नहीं होगा, ओनली ओनली थर्ड शिफ्ट का पेपर आपका 22 जनवरी का यहाँ पर होने वाला है। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों एंड डिजिटल जोन की दोस्तों यहाँ पर इंदौर की, आप इंदौर की दोस्तों आपका अगर एग्जाम था 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में तो दोस्तों आप फिर से अपनी एग्जाम दे सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर आपका 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आपका इंदौर में पेपर था इस सेंटर पर तो दोस्तों आप अपनी एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर हमारा जो थर्ड पेपर है दोस्तों जो थर्ड सेंटर है दोस्तों वो है आदमपुर में दोस्तों, आदमपुर भोपाल में दोस्तों। दोस्तों अगर आपने भोपाल का जो आपका सेंटर ये था और आपने 23 जनवरी को अगर आपने एग्जाम नहीं दिया था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का, अगर आप एग्जाम देने गए हों या नहीं गए हों या फिर किसी कारण बस आप दोस्तों वहां पर नहीं पहुंच पाए हो या फिर आपका मन नहीं किया हो तो दोस्तों आप फिर भी आप अपना फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में था और आप नहीं जाना चाहते थे और अगर आप नहीं गए थे तो भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरा दोस्तों जो हमारा भोपाल का सेंटर है दोस्तों हेडवे का, दोस्तों यहां पर भोपाल का सेंटर है और भोपाल में अगर आपका 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ था भोपाल में ही तो आप फिर से अपनी एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। एंड डिजिटल जोन हमारा ये जाता है जबलपुर का दोस्तों। जबलपुर में दोस्तों अगर आपका 23 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का पेपर अगर आपने नहीं पहुंचे थे किसी भी इनक्लाइमेंट वेदर की वजह से, ट्रेन लेट होने की वजह से या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यू की वजह से अगर आप नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश तो आप अपनी एग्जाम फिर से दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर दिया हुआ है रेलवे ने द न्यू डेट ऑफ रिशेड्यूल एग्जाम विल बी कम्युनिकेटेड ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टली थ्रू SMS एंड ईमेल। मतलब कि दोस्तों आपको SMS या फिर ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, जो भी रिशेड्यूल एग्जाम आपकी होने वाली है। साथ ही में दोस्तों आपको ट्रेवल पास और रेल की तरफ से ये सब फ्री मिलने वाला है सीबीटी सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा 23 जनवरी 2019 का नोटिस जो कि हमको बताया था कि इसी सेंटर की एग्जाम हमारी दोबारा होने वाली है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर आप किसी भी, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जाने चाहते हो या नहीं गए हो कि किसी कारणवश आप घर से ही ना निकले हो, फिर भी अगर आपका सेंटर ये था और आपकी जो शिफ्ट थी वो ये थी और आपकी जो एग्जाम डेट थी वो ये थी 23 जनवरी 21 जनवरी या 22 जनवरी, तो दोस्तों आप अपनी एग्जाम फिर से दे सकते हैं। तो दोस्तों आप एग्जाम अपना जरूर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसमें कि आपकी जो डेट है, एग्जाम डेट है वो पब्लिश किया है। तो दोस्तों चलिए हम अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर खोल चुका हूँ। यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो नंबर दिया हुआ था CEN नंबर, वो टेक्नीशियन एंड ALP पोस्ट के लिए। तो सेकंड यहाँ पर दिया है रिशेड्यूलिंग ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT सेकंड के लिए। दोस्तों आपका जो रिशेड्यूल किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है द सेकंड स्टेज CBT ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन पोस्ट अगेंस्ट, ये नंबर है आपके, वाज कंडक्ट ऑन 21, 22, 23 जनवरी को। अगर आपका 2019 में दोस्तों पेपर नहीं हुआ था, तो वो आपके जो नंबर हैं दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट थे उनका CBT यहाँ पर जो है, CBT कुड नॉट स्टार्ट कंप्लीटेड ऑन दिस डेट एट सेम ऑफ द वेनिस अकाउंट टेक्नीशियन रीजन। मतलब कि दोस्तों टेक्निकल रीजन की वजह से अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई थी, या फिर कोई भी आपका रीजन हो दोस्तों, अकॉर्डिंग सच कैंडिडेट सेकेंड स्टाफ एग्जाम 8 फरवरी 2019। मतलब कि दोस्तों आपका चाहे कोई भी रीजन हो, जरूरी नहीं है आप किसी कारणवश वहाँ से इंटर पर पहुँच पाए, कोई जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल रीजन की वजह से ही पहुँच पाए ना पहुँच पाए हो, या फिर आप ट्रेन लेट होने की वजह से ना पहुँच पाए हो, या फिर आप इंक्लाइमेंट वेदर की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हो। आपका कोई भी रीजन हो, आप अपनी एग्जाम 8 फरवरी 2019 को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 8 फरवरी 2019 को यहाँ पर डेट दे दी गई है। और यहाँ पर दिया है कि दोस्तों द रेसिड्यूल कैंडिडेट हैव बिन कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल एंड SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मतलब कि दोस्तों आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाली है, ठीक है दोस्तों। और आपको SMS के थ्रू बता दिया जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों दिस कैंडिडेट आर एडवाइज फॉर लॉग इन। मतलब कि दोस्तों आपको एडवाइस दी जाती है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि दोस्तों आप 5 बजे से 4 फरवरी 2019 से अपना एडमिट कार्ड और ट्रेवल पास डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों दे आर व्यू एग्जाम सिटी इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोड ई एडमिट कार्ड। यहाँ पर लिंक आपका अवेलेबल, आपकी जो भी आपका जोन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 4 फरवरी 2019 की डेट दी हुई है। मतलब कि दोस्तों आज के दिन जो ये नोटिस है ये पब्लिश हुआ है, और दोस्तों आज ही के दिन ये वीडियो बनाया हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो में आपको एकदम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया है, आप एकदम से अपनी एग्जाम का दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही में दोस्तों आने वाली घंटी के बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसके सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।